नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से एक सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक। दोस्तों, हमारा प्रयास है आपको ईश्वरीय खानपान पद्धति से जोड़कर आपको बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त जीवन जीने की कला सिखाना। इसी उद्देश्य से आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन संस्था और उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम आपको हम बता रहे हैं। ऑडियो में से हमने जाना, मानव का निर्माता यह सर्वव्यापी परमात्मा है। हमारा शरीर यह 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड ही है। हमने महत्वपूर्ण सत्य जान लिया, मानव का ईंधन है फल, सब्जियां और पानी। मानव दुखी और बीमार क्यों है यह हमने जान लिया है। सारे रोगों का एक ही कारण है, वह है आंतरिक मलसंचय। हमने जाना है हमारे शरीर के त्रिदोष क्या है, वात, पित्त, कफ हमने जाना है। इसी तरह से हम आत्मसाधना के अंतर्गत स्वयं के शरीर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा शरीर यह देह रूपी सर्वव्यापी परमात्मा ने दिया हुआ एक अनमोल रथ है, जिससे वजह से हम सब कार्य कर रहे हैं। जो भी तत्व चलता फिरता है उसको ईंधन मतलब भोजन की जरूरत है। शरीर यह एक तत्व है और नाशवंत है। जो भी निर्माण होता है उसका नाश होता है, यह प्रकृति का नियम है। राम आए, कृष्ण आए, मगर आयु पूरी करके वापस चले गए, यह सर्वव्यापी परमात्मा का नियम है। यह कोई भी भंग नहीं कर सकता। मित्रों, सिर्फ एक ही सर्वव्यापी आत्मा परमात्मा अविनाशी अजलमा है और अपने शरीर के हर सेल कोशिकाओं में, शरीर के कणकण में भरा है। और जो भी आप आंखों से देख रहे हैं, पेड़, पौधे, जानवर, पहाड़, नदियाँ और जो कानों से सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, वह सब तत्व है और हर तत्व के कणकण में सर्वव्याप्ती परमात्मा है। इसका मतलब है ये ब्रह्मांड सर्वव्यापी परमात्मा का एक अमृतमय महासागर है। हमें सिर्फ तन और मन को यह अमृतमय महासागर में अशर्त समर्पित होना है, खुद को मिटाना है और यह सत्य को जान लेना है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ और मैं कर्ता नहीं हूँ। यह समर्पण के साथ आपको परमात्मा को समर्पित होना ही भक्ति है, बाकी सब असत्य है, झूठ है, कर्मकांड है, इससे बचे। यह जो गुरुओं ने अपने व्यापार खड़े किए हैं, इनसे बचें। सिर्फ एक ही गुरु है, वह है सर्वव्यापी अविनाशी आत्मा परमात्मा। उसके सिर्फ सम्मुख हो जाइए, वह हर जगह 24/7 उपलब्ध है, आपके साथ है। सिर्फ हमें उससे ट्यून होना है, परमात्मा के सम्मुख होना है। उसकी कृपा सतत बह रही है, आपके कनकन में वह बसा हुआ है। क्यों भटक रहे हो? सिर्फ इसके सम्मुख होने की साधना समझे। किसके पास जाने की जरूरत नहीं है, किसके पाँव दबाने की जरूरत नहीं, स्वयं आपके गुरु है। सिर्फ इसके सम्मुख होना है, कुछ ध्यान, कीर्तन, भजन नहीं करना है। यह सब करवाता है। मित्रों, सबसे बड़े सत्य को समझने का प्रयास करें। हम स्वयं कभी भी गुरु बनना नहीं चाहते, हम सिर्फ सर्वव्यापी परमात्मा के एक छोटे से भक्त हैं और हम प्रयास कर रहे हैं आपको आपका गुरु बनाएं। हम सिर्फ एक राहगीर, मार्गदर्शक है। जो भी ज्ञान है वह सर्वव्यापी परमात्मा की देन है और एकदम निशुल्क है। इसका व्यापार हो नहीं सकता और यह महान गुरुओं ने उसको ही व्यापार बना दिया है।
यह सब गुरु आपको बंधन में बांध रहे हैं, आप कभी भी इनके चक्कर में मुक्त नहीं हो पाओगे। सिर्फ गुरु बनना, गुरु बनाना है तो सर्वव्यापी परमात्मा ही एक अबोल गुरु है, जो आप जैसे ही उससे जुड़ते हैं आपको वह मुक्त कर देता है। यह ईश्वरी सत्य को समझने का प्रयास करो, कहीं भी भटको मत, रुक जाओ और शांति से सोचो मैं जो बोल रहा हूँ यह सत्य है या नहीं। हाँ, तो दोस्तों ईंधन मतलब भोजन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम हमारे सर्वव्यापी परमात्मा ने बनाई हुई केमिकल फैक्ट्री को समझना अनिवार्य है, मतलब आपकी भाषा में डाइजेस्टिव पाचन संस्था को समझना अनिवार्य है। मित्रों, आपको पता है सर्वव्यापी परमात्मा की एक ऐसी फैक्ट्री है जो हम रोटी चावल सब्जी खा रहे हैं और अंत में उसका रक्त बन रहा है। मानव ने विज्ञान में बहुत प्रगति की, लाखों आविष्कार किए, परंतु आज तक दाल रोटी चावल से खून बनाने की फैक्ट्री नहीं बना पाया और हमारा दावा है वह बना भी नहीं पाएगा। यह सर्वव्यापी परमात्मा की देन है। आज भी मानव खून के लिए मानव देह पर ही निर्भर है। जब यह इतनी डेलिकेट फैक्ट्री है तो इसके कुछ नियम भी है। सिर्फ मानव के अंदर मुंह से खाना डालना उसके हाथ में है, बाकी सब सर्वव्यापी परमात्मा ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाई है। आज हम इसको समझने जा रहे हैं। नंबर वन है, यह फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या डालना है। जो यह डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की मशीन है उसका इनपुट मतलब भोजन जिसके लिए यह इंजन डिजाइन हो गया है वह अन्न मतलब इंजन ईंधन है। सिर्फ अपक्व आहार ही इसका ईंधन है जो सर्वव्यापी परमात्मा ने तय करके दिया है। फल सब्जियां और पानी यही इस चमत्कारिक मशीन का ईंधन है। यह सिर्फ और सिर्फ शाकाहार के लिए डिजाइन है। ऐसा क्यों, यह हम हमारे प्राणीजन्य पदार्थ ये वीडियो में आगे समझेंगे। इसके अलावा आप यह मशीन में कुछ भी डालोगे तो इससे यह मशीन धीरे धीरे खराब होगी और आप स्वयं दुख और बीमारियों के शिकार होंगे ही, आज नहीं तो कल। यह प्रकृति का नियम सबके लिए है। यह पंतप्रधान हो या एक मजदूर हो या कोई बड़ा गुरु हो, यह सर्वव्यापी के लिए सब समान है। वह कभी भी किससे भेदभाव नहीं करता। यह परमात्मा का गुण है। यह जाति पंथ लिंग भेद प्रांत भेद धर्म भेद यह गुरुओं का मतलब मानव का निर्माण है। अपने अहंकारवश यह सब कुछ हो रहा है और मानव को भटकाया जा रहा है और इसके नाम पर गुलाम बनाए जा रहे हैं। यह सत्य को भी आप समझ लीजिए। बड़े बड़े संत गुरुओं को भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। हम सब भगवान के ऊपर विश्वास तो कर रहे हैं मगर उसकी बात मतलब सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ परमात्मा की लात पकड़कर बैठे हैं। उसकी लात मत पकड़ो, उसकी बात पकड़ो। यह भोजन करना, आप जो भी खा रहे हैं, यह एक मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिससे हम जिंदा है। यह कार्य परमात्मा को समर्पित होकर करना चाहिए। यह जो भी भोजन आप ले रहे हैं इसके निर्माता आप नहीं हैं, परमात्मा ने बीज बनाया, किसान ने उसको बोया और परवरिश करके फल सब्जियां उगाई, बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारियों तक पहुंचाया और यह अन्न आपके घर तक आया। माता बहनों ने उसे मेहनत से पकाया और आपको खाना खाने को दे दिया। प्रथम भोजन करते समय यह सबको याद करो और सबको धन्यवाद दो और बाद में ही यह भोजन परमात्मा को मन ही मन अर्पण करो
यह प्रसाद बन जाएगा, फिर इसको ग्रहण करो। यही खाने के पहला ध्यान की विधि है। इसे हम कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रथम अन्न हम मुंह में लेते हैं और यहाँ से ही सर्वव्यापी परमात्मा की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। प्रथम स्थिति में ही पाचन शुरू हो जाता है। जब हम चबाते हैं, मुंह की लार के रूप में वह उपलब्ध हो जाती है। यह लार एक क्षारीय डाइजेस्टिव जूस है जो खाने में मिलाया जाता है। ध्यान रखना, शरीर को सिर्फ रस की जरूरत है। जो भी सॉलिड अन्न आप मुंह से ले रहे हैं, उसका चबा चबा कर जब तक लिक्विड नहीं बनता अंदर मत जाने दो। और जो भी आप लिक्विड ले रहे हैं, वह सॉलिड पदार्थ की तरह मुंह में घुमाकर जिससे लार मिक्स हो जाए, बाद में ही वह अंदर जाने दे। बहुत लोग अपने शरीर को गाड़ी समझकर उसमें जैसा पेट्रोल डालते हैं वैसा खाते हैं। दोस्तों, पेट में दांत नहीं होते और लार भी नहीं होती। लार क्षारीय एंजाइम है जो अम्ल में जाने के बाद उसको न्यूट्रल कर देता है। यह साइंस का नियम हम सबको पता है। मित्रों, यह एक मेडिटेशन प्रोसेस है। धन्यवाद देना, अन्न को चबा चबा कर लिक्विड बनने तक अंदर नहीं जाने देना, यह ध्यान का काम है। और हम क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे और खाना खाने खाते खाते गप्पे मार रहे। इससे मैंने जो बोला ये संभव ही नहीं है। मित्रों, खुद के दुश्मन मत बनो। खाना खाना यह एक मेडिटेशन है, यह मेडिटेशन की तरह करो। अन्न चबाते समय स्वाद का आनंद लो। अन्न पेट में कैसा जा रहा है वह देखो। सिर्फ और सिर्फ अन्न अंदर जाने तक ही आपके हाथ में है। बाद में सब परमात्मा का काम है। यह काम पूरे ध्यान से और शांत मन से करें। सिर्फ भोजन या प्रक्रिया को मेडिटेशन समझ के करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी बहुत सारी समस्या यहाँ ही खत्म हो जाएगी। हम सब रात दिन मेहनत सिर्फ पेट के लिए कर रहे हैं और खाने से ही न्याय नहीं कर रहे, तो फिर हमारे जीने का मतलब क्या है? आज से समझ लीजिए, भोजन यहाँ काम नहीं, एक मेडिटेशन है। और फिर आपने चबा चबा कर लिक्विड किया हुआ रस, यह आमाशय मतलब पेट में जाता है। यहाँ से सर्वव्यापी परमात्मा की देन जीवनी शक्ति मतलब अपनी माता का अगला कार्य संभाल लेती है। जैसे ही अन्न आमाशय और पेट में प्रथम घास जाता है, जीवनी शक्ति समझ लेती है अभी पेट भर भोजन आने वाला है। उसके हिसाब से वो सारे डाइजेस्टिव जूस, एसिड, इंसुलिन यह पेट में मिलाया जाता है और हमारा जठर अग्नि एक्टिवेट हो जाता है और खाना पचना शुरू हो जाता है। एक नियम आप यहाँ ध्यान से सुने। आप सुबह सिर्फ एक बिस्किट चाय लेते हैं तो भी यह हमारे सारे डाइजेस्टिव जूस, एसिड, इंसुलिन, इतना ही जो संपूर्ण भोजन को चाहिए, शरीर रिलीज करता है। और हम सिर्फ दो बिस्कुट खाते या एक समोसा खाते हैं, एक छोटी क्वांटिटी के लिए इतने एसिड और डाइजेस्टिव जूस लगते नहीं हैं और यह वेस्ट पेट में घूमते रहता है। इससे पेट में एसिड बनना और पेट की बीमारियां बढ़ती है। शरीर यह स्वयं एसिड बनाता है, तो एसिडिक फूड लेने की लगभग ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पेट संदर्भ की जो भी बीमारियाँ हैं उसकी वजह से ही जन्म लेती है। इसका कारण यह है कि बार बार खाना, जिसे लंचिंग और मंचिंग कहते हैं। दोस्तों, आपको जो पक्वा आहार है, जो योगी लोग हैं वो सिर्फ 24 घंटे में एक बार लेते हैं।
मानो यह एक भोगी जीव है, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार खाए और दोनों खानों के बीच बीच पानी के अलावा कुछ भी ना ले। एक डॉक्टर श्रीकांत जीचकर, उसको सारी दुनिया जानती है, उनकी खोज है। भोजन सिर्फ, उनका कहना है, भोजन सिर्फ 2 बार ही ले और दोनों खानों खाने के सिवाय कुछ भी न डालें पानी के अलावा, और भोजन शुरू होने के बाद 55 मिनट में ख़त्म करें, नहीं तो वापस डाइजेस्टिव जूस आएंगे। उनके सिद्धांत के हिसाब से सभी पेट के रोग का कारण लंचिंग और मंचिंग है। बहुत ही विद्वान व्यक्तिमत्व थे, अभी नहीं रहे, उनकी परंपरा अभी डॉक्टर दीक्षित चला रहे हैं। जो पक्व आहार ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार क्यों लेना है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। जब भी आपका पक्व आहार आमाशय में जाता है, यह प्राकृतिक भोजन न होने के कारण जीवनी शक्ति को, यह डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने को अंदाज से 5 से 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद आपका अन्न पचे या न पचे छोटी आंत में ढकेला जाता है। एक पेट का मतलब आमाशय का सिद्धांत ध्यान रखना है। जब तक आमाशय में खाने की प्रोसेस हो रही है, बीच में कुछ भी नहीं डालना है, नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाती है और अन्न पचता नहीं है। आप जो पक्व भोजन लेते हैं, वो कम से कम प्रथम भोजन और द्वितीय भोजन में 6 से 8 घंटे का गैप अनिवार्य है। तो अभी समझते हैं अपक्व आहार को कितना समय लगता है। अपक्व आहार, यह डाइजेस्टिव सिस्टम का मूल आहार होने के कारण वह सिर्फ 1.5 घंटे में पचकर छोटी आंत में ढकेला जाता है। यह बहुत कम समय में पच जाता है। इसके लिए आप जब भी अपक्व आहार लेते हैं, दोनों आहार के बीच में आपको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का गैप रखना अनिवार्य है। यह हमारे आमाशय का नियम है। यह पक्व भोजन रहे या अपक्व भोजन रहे, जब तक अन्न आमाशय से छोटी आंत में ढकेला नहीं जाता, दूसरा अन्न ग्रहण ना करें। यह सिद्धांत हमारे डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम के मार्ग के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भूल करोगे तो परिणाम गलत आएगी। सीधा समझ लीजिए, जब भी आपने पक्व भोजन लिया तो 6 घंटे तक, यदि आप अपक्व खाना चाहते हैं तो 5 से 6 घंटे बाद ही खाएं, बीच में मिक्स ना करें। और आपने अपक्व आहार लिया है तो कम से कम 2 घंटे के बाद ही आप पक्व आहार लीजिए। यह दोनों आहार मिक्स मत करें, नहीं तो गलत परिणाम आ जाएंगे। इसलिए डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम में आप दिन भर भगवान ने बनाया भोजन लीजिए और रात को बीबी ने बनाया हुआ भोजन खाए। जो भी आप पक्व आहार लेना है वह रात को ही लीजिए, क्योंकि एक बार पक्व आहार लिया तो आप 6 घंटे तक अपक्व आहार ले नहीं सकते। इसी के कारण पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली पर हम खरे नहीं उतर सकते। इसके बाद यह पचा हुआ अन्न का रस छोटी आंत में आ जाता है। यहाँ वहाँ से शरीर को जरूरी है वह ग्लूकोज और विटामिन शरीर खींच लेता है। छोटी आंत में भी पक्व आहार 6 घंटा और अपक्व आहार 2 घंटा छोटी आंत में रहता है, और अंतिम जो वेस्ट मतलब कूड़ा बचता है वह बड़ी आंत में ढकेला जाता है। बड़ी आंत में पक्व आहार का यह कूड़ा 6 घंटा रहता है और अपक्व आहार का 2 घंटा रहता है। इसके बाद कूड़ा द्वार से मल के रूप में बाहर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह मुंह से लेकर गुरुद्वार तक यह सब आते ही है, जिसकी लंबाई है 30 फुट। यह हमारे भोजन की सफ़र की कहानी है। इसलिए हम कहते हैं पक्व आहार खाने के बाद संपूर्ण बाहर निकलने को, मतलब 18 घंटे
टोटल उसको लगते हैं, और अपक्वाहार 5 घंटे में संपूर्ण बाहर आ जाता है। जो अपक्वाहार में 90% मल संचय होने के कारण वह आंतों को चिपक जाता है और संडास जाने के बाद भी मल संचय शरीर में रहता ही है और अपक्वाहार से मल संचय होता नहीं है। मित्रों, मैंने प्रयास किया है आपको पाचन संस्था और उसका ज्ञान देने का। यह हमारे आत्मसाधना का जो सफर है, यह खुद को जानना इसका यह महत्वपूर्ण भाग है। समझ नहीं आया तो दोबारा सुने, मगर पूरी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और सर्वव्यापी परमात्मा आपको स्वस्थ और मस्त रखे, यही प्रार्थना करके आज का दिन यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।